जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ की बढ़ाई मुश्किलें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सरकार बनी तो पुराने बिल माफ किए जाएंगे और 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। दोस्तों इस खबर को लेकर बीजेपी के नेता सभी डरे हुए हैं। बताएंगे पूरी खबर विस्तार से, लेकिन आप गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को दबा लें, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो बाद में प्रदेश में 38 लाख लोग जिनका बिजली बिल बकाया है वे अपने बिल को फाड़ कर फेंक देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन अभी से अधिकांश पार्टियां इसकी तैयारी में जुट गई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने भी अपना चुनावी दांव चल दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पुराने बिजली बिलों को माफ़ कर दिया जाएगा और 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। दोस्तों गुरुवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लखनऊ में ऐलान करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश के लोगों के महंगे बिल यानी बिजली बिलें जो आ रहे हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 24 घंटे के अंदर 300 यूनिट बिजली सभी उपभोक्ताओं को मिलने लगेगी और सभी किसानों के लिए बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि महंगे बिजली बिल की वजह से जिन लोगों का काफ़ी बकाया हो चुका है और उधार लेकर चुकाने को मजबूर हैं, उनके बिजली बिल को आम आदमी पार्टी की सरकार भरेगी। साथ ही मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सिर्फ मुफ्त बिजली या बकाया माफ की बात नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। अगर दिल्ली जैसे राज्य में बिजली नहीं बनने के बावजूद वहाँ 24 घंटे बिजली दी जा सकती है तो उत्तर प्रदेश में भी बकाया किया जा सकता है। दोस्तों इसी दौरान आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में 38 लाख लोग जिनका बिजली बिल बकाया है वे अपने बिजली बिल को फाड़ कर फेंक देंगे। आगे उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जो वादा करते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम हद हद तक गुजर जाएंगे। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपना दखदम दिखाने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी ने बुधवार को अपने 100 संभावित उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बिना किसी गठबंधन के उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने को तैयार कर रही आम आदमी पार्टी ने 100 सीटों में से 35 सीटों पर अति पिछड़ा उम्मीदवार और 16 सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को जगह दे दी है।